बड़वानी के लालकुआ हल्दूचोर से सटे दर्जनों गांव में हाथियों के आतंक से परेशान किसानों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिश्चंद्र दुर्गापाल के नेतृत्व में वन संरक्षक पश्चिम रथ से मुलाकात कर हाथियों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों सहित पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिश्चंद्र दुर्गापाल का कहना है कि लगातार हाथी अब दिन दोपहर में भी गांव में घुसकर न सिर्फ फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि घरों को भी तहस नहस कर लोगों पर जानलेवा हमला करने पर उतारू हैं। लिहाजा ग्रामीणों की जान माल और फसल की सुरक्षा के लिए कोई ठोस उपाय वन विभाग को करने चाहिए। वहीं वन संरक्षक द्वारा जल्द हाथियों के प्रभावित इलाकों में सोलर फेंसिंग वायर लगाने की बात कही। नवभारत समाचार हल्द्वानी उत्तराखंड से आशा रावत की रिपोर्ट। और सभी युवा अल्टीमेटली होगा क्या, जिस तरह से आबादी क्षेत्र में हाथी घुस रहा है और कब पता नहीं कब घुस जाए, ये हमारी डिमांड है। जो जान मुआवजा सही तरीके से सही तौर पर किसानों को मिले और किसान जो पीड़ित हो रहा है उसको ये मायूसी कर रहा है। अरे पवन भाई, जिम्मेदारी अलग है कि हम जनता की आवाज़ को आपके साथ पहुँचाएं। आपकी जिम्मेदारी अलग है कि आप टीम के साथ जनता की सेवा हमारे फसल की सुरक्षा के विषय में महोदय, जैसा कि विदित है कि लंबे समय से जंगल के किनारे बसे गांव जिसमें चाहे हल्दूचोर क्षेत्र हो या गोलान, अपने आप को आह्वान सुनिश्चित समझना कठिन हो गया है। हाल ही में बिंदुकुत्ता क्षेत्र के रावत नगर में हाथी ने मजदूरों की निर्मम हत्या कर दी। भाई साहब सेल्फी बाद में खींच लेना, पहले फोटो करा लो। अरे फोन खुल गया तो हमारे में से कोई ले लेगा, किसी से ले लेना। प्रधान जी अंदर। अभी कुछ ग्रामवासी और ग्राम प्रधान लोग आए थे, एक्स एमएलए साहब भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने ज्ञापन दिया है। हाथी का जहाँ तक बात है, हाथी का आवाजाही इधर कुछ है इन गाँव में, जिसकी वजह से कई जगह पर नुकसान भी होता है। हाथी को रोकने के लिए बेसिकली अभी जो है हमारा टेंटिकल वायर फेंसिंग, ये सोलर फेंसिंग होता है, ये इसमें सोलर के जो वो होते हैं तार लटके रहते हैं और ये बड़ा ही इफेक्टिव है। आज की डेट में हमने कई जगह टेंटिकल वायर फेंसिंग लगवाई भी है, यहाँ पर भी 3-4 किलोमीटर लगवा दी गई है, एरिया में लगाई है। और हमने विभिन्न जगहों पर जहाँ जहाँ ये समस्या आ रही है टेंटिकल वायर फेंसिंग लगाने के लिए, हमने एक प्रस्ताव भेजा हुआ है जो चीफ कोहों के माध्यम से देहरादून गया हुआ है। उस प्रस्ताव के अनुसार धनराशि स्वीकृत होने पर प्रायोरिटी पर जो है इन एरिया में टेंटिकल वायर फेंसिंग लगाई जाएगी। दूसरा जहाँ तक बात है यहाँ पर हमारे वन विभाग की, तो हमारे वन विभाग की टीम बनी हुई है, वो रात को जाती है। इसमें कई ग्राम प्रधानों ने हमको बताया भी है कि साहब आपकी टीम आई है, बहुत उन्होंने अच्छा काम किया है और वो गश्त कर भी रही है, ऐसे मैसेज ही मेरे पास कई आए, उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। और हम भी अपनी टीम को ये प्रेरित करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि वहाँ पर जाएँ। हाँ, एक समस्या अवश्य ज़रूर है कि हमारे पास मैन पावर की कमी है। आज जो है हमारे यहाँ फॉरेस्ट गार्ड्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, रिटायर हो गए हैं, नए भर्ती नहीं हो पा रही है कतिपय कारणों से, जिसकी वजह से हर जगह स्टाफ नहीं जा पाता है। लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ समस्याएँ संवेदनशील हैं वहाँ हमारा स्टाफ लगातार गश्त कर रहा है और टेंटिकल वायर फेंसिंग के माध्यम से ये जो है इसको किया जा रहा है। ये मैं समझता हूँ आने वाले समय में हम इसको जो है हमारी योजना स्वीकृत हो जाएगी तो अधिकांश जगह पर ये फेंसिंग लग जाएगी और ये समस्या का काफ़ी हद तक जो है इसका निराकरण होगा। दूसरा सर, हाथियों को लेकर के बहुत बड़ा भारी आक्रोश पब्लिक में है, इसी को लेकर के आज कंजर्वेटर साहब से मिले तो यहाँ पर फसल तो रही एक तरफ, जान माल का नुकसान है, अचानक हाथी दिन में रात को घुस रहा है, झोपड़ियाँ तोड़ रहा है, घरों में तोड़फोड़ कर रहा है, फसल बर्बाद कर रहा है, तो बड़ा भारी एक चैलेंज वन विभाग के लिए है। हम ये मांग कर रहे हैं कि कोई न कोई ऐसी मजबूत व्यवस्था हो, वन विभाग की टीम आम जनता की जान माल की रक्षा करे और फसल जो किसानों की बर्बाद हुई उसका कंपनसेशन मुआवजा समय पर दे।